नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं पुलिस वाला न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में जहां एक और गुंडों और खनन माफियाओं पर कार्यवाही की जा रही है, वहीं लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को इंदौर के पोलो ग्राउंड क्षेत्र में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत खाद्य एवं औषधि विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्यवाही के दौरान मायाराम फूड प्राइवेट लिमिटेड और सदगुरु डेयरी पर छापामार कार्यवाही की गई। दरअसल पनीर, मावा, क्रीम, मिठाई बनाने वाली दोनों फैक्ट्रियों पर छापे के दौरान बड़ी अनियमितताएं सामने आई है। कार्यवाही में फैक्ट्री परिसर के अंदर और बाहर गंदगी मिलने के अलावा अमानक स्तर का दूध बड़ी मात्रा में मिला है। दोनों ही स्थानों पर दूध को फाड़ने के लिए एसिटिक एसिड का उपयोग किया जा रहा था और कार्यवाही के दौरान दोनों फैक्ट्रियों से लगभग 70 लीटर एसिडिक एसिड जब्त किया गया है। बता दें कि एसिडिक एसिड आम आदमी के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक होता है, जो कैंसर जैसी बीमारी के लिए खुला आमंत्रण है। प्रशासन की ओर से अपर कलेक्टर अभय बेडेकर और खाद्य सुरक्षा अधिकारी पुष्प कुमार ने अमानक दूध सहित अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने भी लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए भोपाल भेजा जाएगा। प्रशासनिक कार्यवाही के दौरान क्षेत्र में स्थित स्टैंडर्ड डेयरी पर भी कार्यवाही की गई, जहां से 110 लीटर कंट्रोल का नीला केरोसिन जब्त किया गया है, जो गरीबों को बांटा जाना था, लेकिन कंट्रोल संचालकों की मिलीभगत के चलते केरोसिन बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियों पर बेचा गया था। मौके पर पहुंची टीम की रिपोर्ट के बाद दोषियों के खिलाफ रासुका की कार्यवाही के संकेत भी अधिकारियों ने दिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पुष्प कुमार द्विवेदी की माने तो छापे के दौरान एकत्रित किए गए सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे जाएंगे, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्यवाही की जाएगी। ये सोचना भी नहीं थी कि हाँ वहाँ किस तरह के दूध की पैकिंग की जा रही है, तो उस सिलसिले में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा टीम का गठन भी किया गया है। तो हमारे द्वारा और नागरिक आपूर्ति की टीम के द्वारा यहाँ जांच की गई है, तो यहाँ दूध की पैकिंग होना पाया गया है और साथ ही यहाँ से कुछ ऐसे एडल्ट्रेंट मिले हैं जो कि नहीं होना चाहिए, जैसे एसिटिक एसिड मिला है और मिल्क पाउडर भी मिला है यहाँ, तो उनकी जब्ती बनाई जा रही है और संबंधित खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जाकर खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजा जा रहा है। यहाँ किशन लाल मायाराम फूड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, कार्रवाई खाद्य विश्लेषक से रिपोर्ट प्राप्त होगा, जिस स्तर का रिपोर्ट प्राप्त होगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुष्पक कुमार द्विवेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, पुलिस वाला न्यूज से सिटी क्राइम रिपोर्टर संजय वर्मा की रिपोर्ट।